हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। ओके, तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 47th डे है, 47वां दिन। ऑलमोस्ट 50 दिन पूरे होने वाले हैं और हमारा 75 डेज का जो है हमारा चैलेंज भी पूरा होने वाला है। आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट एट एंड आ चुका है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम आज सेकेंड लेक्चर है इसका, है ना, और ये एक दो दिन के अंदर खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे सिर्फ स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी, दो चैप्टर खाली बचेंगे। वो तो अपन कर लेंगे ऐसा हवा हवाई में, है ना, ऐसा यू कर लेंगे अपन तो, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे, बेसिक मैथ्स वालों के लिए वही दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होंगे, स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट भी है, उसको ध्यान से करेंगे अपन, अच्छे से भी करेंगे, भी ध्यान रखना, क्लियर। चलिए, तो फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो, पेन कॉपी निकाल लो, और आज के दिन हम शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके लिए मैंने आपको दिया था एक होमवर्क। होमवर्क में क्या बोला था, मैंने कहा था कि आपको जो है सभी के सभी फॉर्मूले याद करके आने हैं, और अगर आपको याद नहीं हो रहा तो तीन बार, चार बार, पांच बार लिखना है भाई। कहा था ना, सरफेस एरिया के सभी फॉर्मूले, क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कोन के, स्पीयर के, हेमिस्फीयर के, सभी के, और वॉल्यूम के भी फॉर्मूले आपको याद रखने थे, ठीक। देखो, आपको याद रहेगा तो आपको यहाँ पे मैं जब यूज करूंगा तो आपको समझ आएगी, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कुछ ये नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम जो है समझदार बच्चे हो, प्लस ईमानदार भी हो, और क्या हो, तुम बहुत अच्छे भी हो ना, शायद। तो तुम मेरी बात मान के आए होंगे, शायद तुम जो है याद करके भी आए होंगे, शायद, उम्मीद, ठीक है। चलो, काम करते हैं, तो याद करके आओगे तुम, है ना, ठीक है। 13.1 मतलब ये अपना ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना, 13.1 नहीं कह सकते भाड़ में, सर चैप्टर नंबर 12 है ना, मिसा रिडक्शन रिड्यूस होने के बाद पुराने सिलेबस का 13.1 है ना। तो उसके जो पहला एक्सरसाइज है ना, पहला एक्सरसाइज, उसके जो है कुछ सवाल एक आध जो मैं करने वाला हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट है और आपको कंसेप्ट समझा दे कि हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो लाइक हमारे पास पहला सवाल है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास दो क्यूब है और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक क्यूब बना दिया हमने, हमने जो है हमारे पास एक क्यूब रखा और उस क्यूब को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। चलो, डन 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 सर, यस सर। अब आप क्या कीजिए, इनका कहना है कि ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब की वॉल्यूम 64 है, और ऐसे एक क्यूब नहीं है, दो क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब है, दो। तो आप समझिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। भैया, कौन से नंबर का क्यूब 64 होता है? चार चार चार, है ना, चार का ही होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब इस जो क्यूब है, इस क्यूब की एक साइड 4 सेंटीमीटर की है। सर जी, ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। अब सवाल में आगे दे रखा है, सवाल में अपने को आगे दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो सवाल में ऐसा लिखा है कि भैया जी, अगर आप दोनों क्यूब को आपस में चिपका देते हो, दो क्यूब है ना, मैंने कहा था, मैंने एक ही बनाया, एक और क्यूब है ऐसा, ठीक है, सेम आइडेंटिकल क्यूब। तो इफ द क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तब इसमें काम की बात यह कि अगर दोनों ही क्यूब्स को अगर एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया जाए, देखो एंड टू एंड ज्वाइंट कर देने का मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूँ। देखो, ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या खुरापाती काम करा है, ठीक है। चलो, हमने बना दिया इसको, मैंने ऐसे ज्वाइंट भी कर दिया, मैंने इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया इसके साथ, डन, और इसको ज्वाइंट कर दिया इसके साथ। अब देखो आगे, ये चीज जो है आपका लेंथ हो जाएगा। अब लेंथ नहीं, ऐसे ऐसे मत सोचो ना, ऐसे मत सोचिए, इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ और एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में हम ये कर देते हैं, ठीक, इस चीज को हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और इसको हम ऐसे कर देते हैं इस पॉइंट। अब देखो, अगर आप देखोगे तो आपको ये दो क्यूब दिखेगा, दो अलग अलग क्यूब है जो आपस में से ज्वाइंट है एंड टू एंड। अब इससे फर्क कहां पड़ेगा, देखो एंड टू एंड ज्वाइंट होने से, एंड टू एंड अगर ये ज्वाइंट है, इसका मतलब क्या है, देखो आपको बताया था कि ये 4 सेंटीमीटर का होगा, यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर, डन, और यहां से लेके यहां तक अगेन 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों चार चार के हैं।
तो ये ओवरऑल टोटल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। यही तो समझने वाली बात है कि इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या इसके चौड़ाई पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो ये पहले भी 4 था, अभी भी ये 4 रहेगा, और इसकी हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी 4 था और अभी भी 4 रहेगा। इन शॉर्ट इनको एंड टू एंड ज्वाइन करने से इसकी सिर्फ लंबाई पे फर्क पड़ा है, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना है, सॉरी टीएसए निकालना है। सो हम अप्लाई करेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो 2 को 2 रन दो, लेंथ कितना है इसका 8 और ब्रेथ कितना है इसका, देखो वैल्यू पुट करते जाओ, है ना, ये हो जाएगा 8 इंटू ब्रेथ कितना है सर 4, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट 4 और लेंथ 8 है, तो 4 इंटू 8 कर दो, अगेन 4 इंटू 8, बस हो गया आपका काम, है ना। अब क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 4 32। अब क्या करोगे, इनको जोड़ दो, तो 32 प्लस 32 64, और 64 में 6 जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा 70 80 आ जाएगा 80। तो 2 × 180 कर देने पे आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा सर। इसी तरीके से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं, अब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल कुछ इस टाइप से भी सवाल देंगे ना, एक ये सवाल बड़ा पॉपुलर आता है कि आपको जो है क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर, है ना, और क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर इसको ऐसा कर देते हैं अपन, डन, एक क्यूबिकल बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर जो है एक वो रख दिया गया है ढक्कन, कड़ाही वगैरह समझते हैं आप, है ना, एक वो रख दिया गया बर्तन, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था, आई वॉज नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वर्ड। चलो ये क्यूबिकल बॉक्स, अब मान लो बॉक्स के ऊपर हमने यहाँ पे कोई कड़ाही वगैरह रख दिया जिसमें ना अपन कुछ तलते वलते हैं, भजिया वगैरह, है ना, ऐसे रख दिया। अब ये सवाल पॉपुलर इसलिए है, अब इसमें पूछा जाता है कि इसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा। अब देखो जो लोग समझ पाएंगे इसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, मैं उनको जरा समझाता हूँ। देखो एक ये पोर्शन पर जरा ध्यान देना, एक इसके इस पोले पोर्शन पर ध्यान देना, है ना, और जरा समझना, एक क्यूबिकल शेप में अगर रखा हुआ है, अगर उस पर तुम कड़ाही रखोगे, देखो उसका कॉर्नर वाला चारों कॉर्नर पर कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाएगा। आपका इसका टीएसए कैसे निकालना है, ये सवाल भी बहुत पॉपुलर, आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपको तो एक टोटल सर्फेस एरिया लेना पड़ेगा इस क्यूब का, है ना, तो आपको लेना होगा टीएसए ऑफ क्यूब, जो कि हो जाएगा 6a². अब सोचो क्या 6 के 6 साइड पूरे दिखेंगे, नहीं, जो ऊपर वाला साइड है वो पूरा नहीं दिख रहा, उसमें एक सर्कुलर शेप में जितने दूर में ये कड़ाही ऐसे रखी जाएगी उतना एरिया आपको नहीं दिखेगा, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा एक सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल में से आपको पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अभी भी कहानी खत्म नहीं होती, अब आगे क्या है, अब समझो ये नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इसके ऊपर वाला पोर्शन तो आपको दिख रहा है ना, ये रेज्ड पार्ट, ये तो आपको दिखेगा ही, ये रेज्ड पार्ट क्या, एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का बाहर वाला एरिया, इसे क्या कहते हैं, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज प्लस 2πr². तो ऐसे करके आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस ऐसे ही आपको इसमें सवाल मिलने हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो तो आज का टॉपिक हम यहां स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब ये टॉपिक में क्या है सर, देखो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में बड़ा ही आसान सा मुद्दा आता है, जिस तरह से आपने उसके अंदर कंबाइन करके सरफेस एरिया निकाला, उसी तरह से आप इसमें कंबाइन करके वॉल्यूम निकालोगे। इसमें कैसे सवाल आते हैं, जैसे मान लो इसमें सवाल इस टाइप के आएंगे, अगर मान लीजिए कि आप जो है पहले आपके पास एक मान लीजिए बॉटल है, बॉटल इतनी बड़ी है, आप पानी भर रहे हैं, आपने पानी यहीं तक भरा, ठीक है, बॉटल आपकी छोटी है। अब मान लीजिए आपने एक बॉटल इसके नीचे से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, बीच में से इसका ये ढक्कन खोल दिया, अब पानी क्या यहाँ की बजाय यहाँ तक आ पाएगा, तो आपने दो सिलेंडर जो देखो दोनों का वॉल्यूम आपस में ऐड हो जाएगा। इन शॉर्ट वॉल्यूम में, मैंने सरफेस एरिया में क्या बताया था, जब आप ऐड करोगे तो आपका एरिया सरफेस एरिया कम होता है, लेकिन जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आपने बताया था मैंने सब्ट्रैक्ट करोगे तो बढ़ेगा, दो फिगर को कंबाइन करने पे सरफेस कम हो जाता है, कट करने पे, जोड़ने पे, तोड़ने पे उसको सरफेस बढ़ जाता है, वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता, आपने ऐड किया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, दिख रहा है,
मैंने यहाँ पे ऐड किया, पहले वॉल्यूम सिर्फ इतना था, ऐड किया वॉल्यूम यहाँ तक हो गया, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो आप, तो वॉल्यूम बहुत ही आसान सा कंसेप्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सिंपल सा लॉजिक अगर अपन देखें, आपको याद होगा ना, आपको कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में अगर हम खाने जाते हैं तो पता, आप हम दाल फ्राई ऑर्डर करते हैं, दाल फ्राई, अब उसमें क्या होता है कि वो दाल लेके आते हैं बाल्टी में, वो दाल लेके आते हैं एक बाल्टी में, आपने देखा होगा ना, वो बाल्टी देखी होगी आपने, वो कुछ इस शेप ही होती है ना, ऐसे बाल्टी होती है। अब बात ये ना कि जब तुम इसके अंदर चम्मच होगा, चम्मच है ना, तो चम्मच एक्चुअल में वो यहाँ तक ही होता है, वो आपका चम्मच सिर्फ यहीं तक आएगा, वो पूरा एंड तक नहीं आता है ना, ये चालाकी होती है। आपको तो लग रहा है दाल यहाँ तक भर के जाएगा, इतनी बड़ी बाल्टी देर के, लेकिन दाल एक्चुअल में होता यहीं तक है। वो क्या करते हैं, वो इस पार्ट को सॉलिड कर देते हैं, इस पार्ट को भर देते हैं, इससे क्या होता है वॉल्यूम कम हो गया आपका। देखो मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर उसके बाहर रखा होता तो वॉल्यूम बढ़ता, उसके अंदर रख दिया तो वॉल्यूम उसका कम हो जा रहा है, ये बात आपको समझने वाली होगी ना। ऐसे ही एक सवाल है अपने एनसीईआरटी में जूस सेलर वाला है ना, कि एक जूस वाला जो जूस बेचता है, लेकिन उसने क्या किया, अपने ग्लास के नीचे एक हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन रखा हुआ, इससे क्या होता है कि जो जूस वो जब वो बेच रहा है तो वो जूस देखो यहीं तक आएगा ना, इसके नीचे थोड़ी आ जाएगा ये, तो इसका इतना पार्ट का ये जो इतना ना, इतना जूस उसका बच जा रहा है, पर ग्लास इतना बच जा रहा है। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें आपको यहाँ पे आपको वॉल्यूम माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अंदर है, ये भी इसके अंदर है, वॉल्यूम माइनस करोगे, ये इसके बाहर है इसलिए आपको वॉल्यूम ऐड करोगे। बात समझ में आ गई। अब चलो एक सवाल के साथ इन चीजों को अपन समझते हैं, बड़ा ही सुंदर सा सवाल रहेगा। देखो सवाल क्या हमारा, सवाल यही है कि एक जो जूस सेलर वाज सर्विंग एज अ कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर, ऐसा ही ग्लास है वो सर्व कर रहा है, ठीक है, उसमें आगे दिया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आगे देखते हैं अपन, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन विच इज रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है सर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, आपको बताना है अपेरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। अब समझो ग्लास जो है कुछ ऐसा है, इसमें आपको दो चीजें पूछी है, पहला अपेरेंट कैपेसिटी, लोगों को देखने में क्या लगेगा, लोगों को तो ये नहीं दिख रहा होगा, लोगों को तो पूरा ग्लास आएगा, तो पूरा इसमें अब आपको आप इसको भूल जाओ, तो आपको पूरा सिलेंडर नजर आ रहा है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, ये हो जाएगा अपेरेंट, मतलब ये दिखने में ऐसा आ रहा है अपेरेंट कैपेसिटी, तो हम निकालेंगे भैया पाई आर स्क्वायर एच यानी 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, इंटू हाइट कितनी है इसकी 10, ठीक है, अब 25 इंटू 10 करो कितना आ जाएगा 250, अब 3.14 इंटू 250 कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा ये काम खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें बोला है कि एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल, अब एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे सर, एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब होता है कि रियल में कितना है, दिखने को इतना दिख रहा है, रियल में कितना है, रियल में क्या है कि ये इतना माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यही 3.14 इंटू 250 में से ये जो एक्चुअल कैपेसिटी है, सॉरी अपेरेंट कैपेसिटी है, इसमें से तुम्हें माइनस करना होगा ये हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम, यानी आपको माइनस करना है 2/3 पाई यानी 3.14 इंटू रेडियस का क्यूब, और रेडियस कितना है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, अच्छा ये तो यहाँ पे भी होगा ना, ये तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5/2 यानी 25/4 हो जाएगा ये, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अपॉन में 4 लगा देना, अपॉन में 4 कर देना इनके, ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा। अब ये 5/2 का क्यूब हो जाएगा, तो 5/2 यानी 5 × 5 × 5 अपॉन में 2 अपॉन में 2 और अपॉन में 2, बस इस पार्ट को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर जो इन्हें आप सॉल्व कर लो, इसमें इसको माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, जब आपको वो चीजें को ऐड किया जाए वॉल्यूम में तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप देखना ऐड कैसे किया, अगर उसके अंदर ऐड किया तो वॉल्यूम माइनस करना, उसके बाहर ऐड किया तो वॉल्यूम प्लस कर देना, बस यही छोटी मोटी चीजें आपके आएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, हमने कंसेप्ट वगैरह वॉल्यूम खत्म कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अपन भर भर के सवाल कर लेंगे जिससे अपनी जो क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट में, डन। चलो तो आप इसके नोट्स वगैरह बना लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, सरफेस एरिया वगैरह A to Z सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम सब चीज़ कर लोगे, ठीक है, नोट्स के भरोसे मत रहना, सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट कर लेना है। हाँ आज का लेक्चर ऑलमोस्ट बहुत छोटा ही होगा क्योंकि अपना कंसेप्ट बहुत छोटा था, छोटा मतलब एक ही टॉपिक था एक्सप्लेन करना कर दिया अपन, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करने, और नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, वो भी ध्यान रखना, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन, है ना, बाय।